कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में, लेखन कला के बारे में। देखिए, राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोफेशनल टू सक्सेस। किसी भी प्रोफेशनल के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए राइटिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका सेलेक्ट द राइट वर्ड, शब्दों का सही चयन करें। दूसरा वर्ड है, दूसरी चीज है वो है आपका यूजिंग करेक्ट ग्रामर, कि आपका जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं वो ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका फॉर्मिंग इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जब भी कोई भी आप सेंटेंस बनाएं तो वो उसकी स्ट्रक्चर इजी रखे, इजीएस्ट होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इससे क्या मतलब है कि आपका जो भी इंट्रोडक्शन है, जो बॉडी है और जो आपका कंक्लूजन है वो आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, कि क्या आपका प्रस्तावना रहेगी, क्या बॉडी का कंटेंट रहेगा, क्या आपका कंक्लूजन रहेगा। और राइट विद क्रिस्टल क्लियर राइटिंग, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर राइटिंग लिखें, मोती जैसे अक्सर लिखने की कोशिश करें। अब राइटिंग टिप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो थिंक एंड राइट व्हाट दे नीड टू नो फर्स्ट। क्या मतलब है इसका, कि वो चीजें आप सबसे पहले लिखिए, कि जब भी आप कोई राइटिंग कर रहे हैं तो दिमाग में लेके आइए कि जिसको आप ये लिख रहे हैं तो वो क्या चाहेगा, सबसे पहले क्या चीज, फर्स्ट डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है आपका क्रिएट एन आउटलाइन, कि अपनी जो भी आप लिखने वाले हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ले, और ये स्पेशली बेनिफिशियल है जब आप कोई लेंथिंग डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो आप पहले से ही उसकी प्रारूप, उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। तीसरा चीज़ है आपकी यूज एडा, AIDA, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन। क्या मतलब है इसका, अट्रैक्ट अटेंशन एडा, एडा मीन्स AIDA, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर और एक्शन, यानी कि जब भी आप कोई राइटिंग करें तो इस फॉर्मूले को यूज करें। ट्राई सम एम्पैथी, एम्पैथी से मतलब समानुभूति, कि जब आप कोई राइटिंग करें तो अपने माइंड में ये चीज़ लेकर आए कि जब जो मैं लिख रहा हूँ दूसरों को जब ये पढ़ेगा तो उसको कैसा फील होगा, समानुभूति, जैसा आप फील कर रहे हैं वो भी तो वैसे फील करेगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूज रेथिकल ट्राइंगल, रेथिकल ट्राइंगल का मतलब है कि आप जब भी कोई भी राइटिंग करें तो आपकी भाषा अलंकारिक होनी चाहिए, उसमें अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू समवन टू डू समथिंग, मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट सिंसियरली। व्हाई पीपल शुड लिसन टू यू एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रेशनली एंड कोहेरेंटली। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब भी कोई राइटिंग करें तो सामने वाले को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह की राइटिंग हो। मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन सिंसियरली, कि सिंसियरली, कि दूसरा आपकी बातचीत में क्यों इंटरेस्ट लेगा, जब आप सिंसियर होंगे तभी तो लेगा। अगर आपने कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप आप बोल रहे हो तो दूसरा तो उसमें इंटरेस्ट लेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ब्रेक द टेक्स्ट, टू मेक योर डॉक्यूमेंट यूजर फ्रेंडली यूज द हेडिंग, हेडिंग का इस्तेमाल करें इसमें आप। दूसरा आप बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल करें, नंबरिंग का इस्तेमाल करें, ऐड ग्राफिक्स भी आप जोड़ सकते हो, चार्ट आप जोड़ सकते हो। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ राइटिंग की। पैराग्राफ क्या होता है, इफ यू आर राइटिंग
पर्टिकुलरली ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो उसमें पहली चीज आती है आपकी इंट्रोडक्शन, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका बॉडी कंटेंट क्या है, और कंक्लूजन उसका सार क्या है। इसमें कितने तरह के आपके पैराग्राफ होते हैं? पैराग्राफ होते हैं डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव यानी कि आपने डेस्क्राइब करा कुछ भी चीज़, नैरेटिव जिसमें आप कोई भी चीज़ नैरेट करते हो, जैसे कि आप स्टोरी नैरेट करते हो, एक्सपोजिटरी एक्सप्लेन करना, किसी भी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना, परसुएसिव, परसुएसिव से मतलब है कि आप इस तरह का पैराग्राफ लिखे जिसमें दूसरा आदमी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ्स के एलिमेंट्स। सबसे पहले है यूनिटी ऑफ टॉपिक, जब भी आप कोई पैराग्राफ बनाए तो यूनिटी ऑफ टॉपिक आपका उसमें झलकना चाहिए, यानी कि आपने जो भी टॉपिक लिखा है उसी के बारे में आपका डिस्कशन हो, कोई इधर उधर का ना हो, यूनिटी दिखाई दे। शॉर्ट एंड कंसाइज, छोटा हो और कंसाइज, कंसाइज से मतलब है कि शब्द कम हो असर ज्यादा हो उसमें। कोहरेंस, कोहरेंस का मतलब है कि लॉजिकल हो, अनलॉजिकल ना हो कि आपने कहीं कुछ कह रहे कहीं कुछ कह रहे, तर्कसंगत हो। करेक्टनेस कि आपका जो भी पैराग्राफ हो वो ग्रामेटिकल भी प्रॉपर हो, करेक्ट हो। नेक्स्ट आता है समराइजेशन कि उसमें मान लीजिए आप लेंथी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में उसको अपने टॉपिक्स जो भी आपने डिस्कशन किया है उसका आपको समराइज भी करना है। लास्ट पॉइंट आता है प्रूफ रीडिंग और रिवीजन कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ डिलीवर करें तो उसमें आपको पहले वो करना है, रिवीजन करना है और प्रूफ रीडिंग करनी है कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छी राइटिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगी और पैराग्राफ स्किल्स भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अब मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका क्या फीडबैक है। थैंक यू वेरी मच।